नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी समस्या का निवारण शेयर करूंगा जो लगभग हर एक व्यक्ति के साथ होता है जो बाहर अपने घर से बाहर निकलते हैं। देखिए, ऐसी समस्या लगभग हर किसी के साथ आ ही जाती है, यानी कि अगर आपकी आंख में कुछ चला जाता है, कुछ भी पार्टिकल ऐसा छोटे से छोटा मिट्टी का कण, कोई पत्थर का कण, या फिर कोई ऐसा मच्छर या फिर छोटे कीट जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे कण जो आपकी आंखों में चले जाते हैं बाइक चलाते वक्त, या फिर कहीं पर भी किसी भी टाइम पे आपकी आंखों में ऐसी कोई समस्या हो सकती है। अगर आपकी आंखों में ऐसी कोई धूल के कण या फिर कुछ भी ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल चला जाता है तो उसे कैसे बाहर निकालें? ज़्यादातर लोग अपनी आंखों को मलने लग जाते हैं, अपनी हथेलियों से मसलते हैं। देखिए, ऐसा करने पर आपको ज़्यादा अपनी आंखों की हानि भी हो सकती है, और अगर आपकी आंखों में छोटा मिट्टी का कण या फिर पत्थर का कण चला गया है तब आप उसे रगड़ेंगे या फिर मसलेंगे अपने हथेलियों से तो आपकी आंखों का डैमेज होने का पूरी पूरी संभावना हो जाएगी, और आपकी अपनी आंखों से हाथ धो भी सकते हैं। इसलिए आपको मैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसे करने के बाद आपकी आंखों में किसी भी प्रकार का कचरा क्यों ना चला गया हो वो अपने आप बाहर आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, अगर आपकी आंखों में ये समस्या हो जाती है, कोई पार्टिकल या कोई कीट या कोई भी ऐसा कण आपकी आंखों में चला जाता है तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको दूध की 3 से 4 बूंदें अपनी आंखों में डालनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आंखों के अंदर कोई भी अगर कण गया है तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि जो दूध होता है उसके अंदर चिकनाहट होती है, वो चिकनाई आपकी आंखों में से कोई भी अगर कण गया होगा तो उस कण को दूध बाहर निकाल देगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको तुरंत इसका फायदा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अगर ऐसी समस्या होती है तो वो अपनी समस्या का समाधान कर सकें। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।